सीधे आपको ले चलेंगे। इस वक्त ममता बैनर्जी बोल रही हैं। आंदोलन থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে বিজেপি নে আজ বন্ধ দিলা বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে লোকো লাশ সে গিয়ে ডেড বডি আমি তাদের ধিক্কার জানাই সাজেস্ট কর রহি হুঁ আজকে আমাদের ছেলে মেয়েরা যখন আসছিল বিভিন্ন বাসে আজ ভি ধুলাগড় থেকে শুরু করে স্টুডেন্ট আ রহে থে ধুলাগড় সে লেকার কই এক জগহ পর বসো মে তোড় ফোড় কি রহি হে आज भी पुलिस पर पुलिस को पीटा गया है। सिर्फ यही नहीं रेल के सिग्नल को जानबूझकर देर किया गया है क्योंकि रेल सीबीआई ईडी सब बीजेपी कर रहे हैं सब बीजेपी चला रही है। मैंने आज तक ऐसी केंद्रीय सरकार नहीं देखी है। बीजेपी पार्टी एक दलदास की सरकार है शर्मनाक पार्टी है ऐसी अहंकारी ऐसी झूठ बोलने वाली ऐसी झूठ बोलकर प्रचार करने वाली ऐसी साजिश करने वाली मैंने कभी नहीं देखी। हमने भी छात्र राजनीति की है हम बंद की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। ये कैसा बंद किसको लेकर बंद नरेंद्र मोदी विरुद्ध बंद करो जिन्हें आज पर्यंत बंद करना चाहते हो तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बंद करो जो जो एजेंसी लगाकर लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घटना के बावजूद रिजाइन नहीं किया असम की घटना को लेकर इस्तीफा नहीं दिया मध्य प्रदेश की घटना पर इस्तीफा नहीं दिया यहाँ तक कि मणिपुर तक आज तक नहीं गए। असम में आरोपी को मार दिया गया कल हमने विजुअल देखा डेड बॉडी लेने आए थे पुलिस लेकिन कोलकाता पुलिस काफी संयम से काम किया किसी की आंख फोड़ दी किसी का सिर फोड़ दिया किसी के कान में चोट आई किसी के हाथ पांव को तोड़ दिया गया। फिर भी मैं पुलिस को कल की घटना के लिए सैल्यूट करती हूँ क्योंकि उन्होंने अपने खून का बलिदान देकर संयम रखा और बीजेपी के हाथ में कोई लाश नहीं दी डेड बॉडी नहीं दी। इतनी जल्दी क्यों है कुछ दिन पहले भी तो चार बाई इलेक्शन हो गए इतनी बुरी तरह हारे फिर भी शर्म नहीं आती वो तो तुम्हारे ही समूचे भारत वर्ष में कहीं नहीं जीतोगे समझ लो और इसीलिए ये साजिश कर आज एक बात बताइए तो मैं जज के बारे में नहीं बोल रही हूँ जजमेंट के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी कानून पढ़ा है कहिए महाराष्ट्र की अदालत बंद को अवैध करार दे सकती है महाराष्ट्र की अदालत ने बंद को इलीगल अवैध करार दिया इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने बंद को अवैध घोषित किया है और भी बहुत सारी अदालतों ने किया है आप लोगों का मैं वकीलों से कहूंगी याद रखिएगा बीजेपी को ये जगह कोर्ट में मत दीजिएगा। आम आदमी अदालत में जाकर न्याय की मांग करता है न्याय की उम्मीद करता है मैं अब बताती हूँ आपको मैं झाड़ग्राम में थी 9 तारीख की शाम को मैं लौट रही थी मेरे पास खबर आई और इस बीच
पुलिस कमिश्नर से लेकर उसके परिवार और सभी वहां पहुंच गए थे। मैंने सबसे बात करके जो करना था, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बुलाने से लेकर सब किया। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना थी, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लिया गया वो कोई देरी ना हो, कोई गलती ना हो, और हमने चाहा था 7 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाकर फांसी दे दी जाए। आज जो कामधुनी लेकर बोल रहे हैं उनको कहूंगी, कामधुनी मामले में भी हमने फांसी मांगी, 2 जन को आजीवन कारावास हो गया हाई कोर्ट के आदेश के बाद। अब तो बहुत सारे चोर डकैतों को छोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा मेरे पास कई सारी ऐसी फाइल है, 10 से 12 साल हो चुके हैं, उनको छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? जो खूनी है उसको क्यों छोड़ दिया जाए? जो रेपिस्ट है उसको क्यों छोड़ दिया जाए? जो अत्याचारी है उसको क्यों छोड़ दिया जाए? कैसा नियम है? मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी देकर तथ्य किया, आवेदन किया, आपने एक न्याय संहिता बनाई है, नया कानून बनाया है, उसमें 10 साल और 12 साल और 16 साल की एक किस्त है और उसके बाद 10 साल। इस न्याय संहिता को करने की क्या जरूरत है? मैं अब भी बोलती हूँ, राज्य के हाथ में पावर नहीं है। राज्य के हाथ में अगर पावर होती तो मैं 7 दिन में कर देती। अगर मेरे हाथ में पावर आ जाए तो मैं 7 दिन में फांसी पर चढ़ा दूंगी, फांसी फांसी फांसी। ये एक काम, रेप जैसा काम, और ये सजा देने पर सब ठंडे हो जाएंगे। कुछ कुछ मोदी मीडिया इनको प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे गलत प्रचार किए जा रहे हैं, साजिश की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। मैं छात्रों को एक बात कह रही हूँ कि अब आज की तारीख में साइबर क्राइम सबसे प्रमुख क्राइम है। AI, मैं हूँ मान लीजिए, लेकिन AI के जरिए मुझे खड़ा करके मेरी आवाज देके ऐसा कुछ क्रिएट किया जाएगा, समझिए आपकी आवाज किसी और की आवाज की आवाज AI के जरिए बना दी जाती है। और जब तक आप समझेंगे तब तक 2 दिन निकल चुका होगा, तब तक आग लग चुकी होगी। याद रखिएगा, हम ऐसे कोई काम नहीं करते हैं जो आम इंसान के पक्ष में नहीं है, हम वही काम करते हैं जो आम आदमी के पक्ष में है। मैं आपको बात कह रही हूँ, नेक्स्ट वीक मैं असेंबली बुला रही हूँ स्पीकर को लेकर, और हम लोग वेस्ट बंगाल असेंबली से आने वाले 10 दिनों में रेसिस्ट को पास देने वाला बिल पास करूंगी। सेंटर को भेजेंगे, लेकिन मैं राजा बाबू का पाठ जानती हूँ, और अगर नहीं किया तो राजभवन के सामने माँ बहने बैठी रहेंगी घंटे के घंटा। राज्यपाल को ये साइन करना होगा, राष्ट्रपति के पास भेज कर जिम्मेदारी से हटने से नहीं होगा। और आप बड़ी बड़ी बात कहते हैं राज्यपाल, आपके राजभवन की एक महिला के साथ आपने छेड़खानी, उसको न्याय नहीं मिला, वो शॉक्ड है, उसको मैंने दूसरी जगह नौकरी दी है, वो ट्रॉमाटाइज हो चुकी है। ये सब बात आप नहीं बोल पाते, कदम नहीं आते। कल कौन लोग आए थे आंदोलन करने? छात्र आए थे या फिर कोई और?